हे ऐश, क्या हुआ? नहीं मुझे मत कहना क्या तुमने वो पोकेमोन ऑलरेडी पकड़ लिया? हाँ, मैंने पकड़ लिया। वो स्कूमुटी कहाँ जाता है? क्या वो तुमने पहले लड़के से पकड़ लिया? एक लड़की थी, थोड़ी सी क्लमजी टाइप, वो उस भी कम्युनिटी को चाहती थी। वो शायद वो उस अंदर केव में ही है। ओके, मुझे अब की जरूरत नहीं है। ओके, शायद उसे तुमने देखना चाहिए। अच्छा, तो एक कह सकते हो कि एक लड़की है। आई डोंट नो कि वो कौन सी लड़की है। सो चेकआउट करने के लिए चले जाते हैं, लड़की का नाम लिया है तो। सो यस, वी आर अगेन बैक एट द पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू, जहाँ पे पिछली बार हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर कह सकते हो कि सक्सेसफुली ऑप्टेन कर लिया था म्यूटू को। बट कह सकते हो कि इसके बाद हम लोग बार की तरफ आ गए, मतलब कि आज के एपिसोड में। एंड कह सकते हो कि हमारा राइवल गैरी जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि कोई तो लड़की है, उसे जो है वो पोकेमोन चाहिए था, तो उस वजह से जो है वो कह सकते हो कि ओके। हाँ, तो गाइस यार यहाँ पर अभी हम लोग चले जाते हैं अंदर की तरफ। ओके, सो लेट्स गो। हाँ यस। ओ, ये कौन सी लड़की है? पीकेचू को मैं फर्स्ट पे रख रहा हूँ वैसे। ए, क्या हुआ? यू आर हिट बाय लो फ्लाइंग पोके बॉल। उप्स, तुम तो पोकेमोन नहीं हो। सॉरी, ये थोड़ा सा अंधेरा है। सुबह ही तुम्हें देखा एंड मुझे लगा तुम एक पोकेमोन हो। ओह वेल, नाइस टू मीट यू। मैं हूँ ग्रीन। सो हे, मैं जस्ट थोड़ी सी क्यूरियस हूँ। क्या तुम वो पोकेमोन देख रहे हो जिसे तुमने यहाँ पर देखा? ओ राइट, म्यूटू। ओ, तुमने वो पकड़ भी लिया? वो मुझे फेयर नहीं है। मैं उसे पहले पकड़ना चाहती थी। अच्छा ठीक है, ये पोकेमोन ट्रेनर ग्रीन है। ओके, सो अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो, सो देर इज अ पोकेमोन कह सकते हो कि रेड एंड ग्रीन। सो दिस वन इज द ग्रीन। आई गेस हम लोगों को रेड के साथ भी बैटल करना पड़ेगा। हाँ यस, उसके बारे में मैंने कहा था ना, मास्टर ट्रेनर से वो मिस थियरी है एंड ऑल दैट स्टफ। तो वो जो है वो कह सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों को कह सकते हो कि मतलब कि पता चलेगा। तो यहाँ से जो है ओके, सो यहाँ पर अभी मैंने दे दिया है। ओ, क्लिफेबल को जो है यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली डाउन कर लिया है लेडीज एंड जेंट्स। सो द नेक्स्ट पोकेमॉन इज दी नाइन टेल्स। सो नाइन टेल्स के अगेंस्ट जो है वो मैं यहाँ पर अपने ब्लास्टोइड्स को जो हूँ वो लेकर आ जाता हूँ। ऑल राइट, तो नेक्स्ट अप इज दी नाइन टेल्स। यहाँ पर अभी हम लोग आइस बीम या स्केल्ड स्केल्ड के साथ चले जाते हैं। ओ, थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज डैमेज मुझे बोला कि डाउन हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी हम लोग ओके, स्केल देता हूँ मैं वंस अगेन एंड दैट्स इट। तो नाइन टेल्स के जो है यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली डाउन कर लिया है। सो यस, उसके सेकेंड पोकेमोन को हम लोगों ने हरा दिया। एंड हाँ गाइज यार, आज से जो है वो हम लोगों का कह सकते हो कि ऑफिशियल पोस्ट गेम तो यहाँ पर कल से स्टार्ट हो चुका था, बट जो जिम लीडर के रीमैचेस का जो एपिसोड्स हैं वो आज से स्टार्ट होने वाले हैं। आज बस हम लोग इस ग्रीन जो ट्रेनर है उसको ही नहीं हराएंगे, हम लोग बाकी के जो ट्रेनर्स हैं उनके साथ भी जो है यहाँ पर मैं बैटल करने वाला हूँ। एंड आई विल ट्राई टू डिफीट देम अल्सो। यस, उन लोगों को भी जो है वो हाँ कह सकता हूँ कि हराने की यहाँ पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। यस, देखते हैं यार कितना ज़्यादा जो है वो समय लगता है। मज़ा आएगा यहाँ पर अभी इन लोगों को हराने के लिए। ओके, ओह ओके, मज़ा आ रहा है। मैंने थोड़ा सा बैटल में जो हुआ थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट करने लग गया, क्योंकि ना कंगस खान को डिफीट करना ना थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर अभी मेगा ट्रेन दे देते हैं एंड इस बैटल को कंप्लीट कर लेते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर अभी जो है वो कंगस खान को मैंने डिफीट कर दिया है। सो देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन जो है वो ओके। हाँ गाइज यार, यहाँ पर अभी गेंगार के अगेंस्ट ऑल राइट
बाइट दे देता हूँ मैं। ओके तो एक और बाइट की ज़रूरत है, एक और बाइट दे देते हैं। ओ टेंशन भरा बैटल था यार ये तो, मुझे लगा नहीं था कि ग्रीन इतनी स्ट्रांग रहेगी, बट ग्रीन इज एक्चुअली स्ट्रांग। स्लज बॉम्ब दे दी है उसने एंड ओके सो ब्लास्टोइज ऑलमोस्ट डेन होने वाला था, बट उसने सक्सेसफुली जो है यहाँ पर गैंगार को डिफीट कर लिया गाइस। फाइनली हम लोगों ने जो है ओके ब्लास्टोइज हिल, ओके ब्लास्टोइज वर्सेस ब्लास्टोइज करो तो क्या नहीं होता था, बट क्योंकि वैसे भी जो है वो यहाँ पर हमारा ब्लास्टोइज जो है वो लेवल 2 पर HP 2 पे था, वरना कर ही देता था मैं ये बैटल को सक्सेसफुली डन। सो यहाँ पर अभी हम लोग जिपी जैप के साथ चले जाते। वो मेगा ब्लास्टोइज दैट इज नाइस। यहाँ पर अभी हम लोग जिपी जैप दे दी है, थोड़ा सा यहाँ पर डैमेज बच गया रे। हाँ पिकासो जो है यहाँ पर अभी सक्सेस, यहाँ पर डाउन हो चुका है गाइस। मेगा ब्लास्टोइज वर्सेस मेगा कह सकते हो कि मेगा चैरिज़ार्ड एक्स। अब वक्त आ चुका है ये धमाकेदार बैटल का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हीलिंग करके जो हूँ वो चुपचाप बैठ जाऊंगा। पिकाचू को बुला लेते हैं यार बैटल में, ज्यादा जो है वो कह सकते हो कि दिमाग नहीं लगाना है अपना। आई नो चैरिज़ार्ड 180 में डाउन होने वाला है, इसलिए मुझे दिमाग नहीं लगाना है अपना। तो यहाँ पर अभी मैं पिकाचू को जो हूँ वो लेकर आ जाता हूँ इस बैटल में, एंड इस बैटल को फिर डन एंड डस्टेड कर देते हैं हम थंडरबोल्ट या जिपी जैप। जिपी जैप दे देता हूँ मैं एंड दैट्स इट। तो ब्लास्टोइज ने जो है यहाँ पर सक्सेसफुली यहाँ पर डाउन हो चुका है। नहीं हुआ बे यार, मुझे लगा कि हो गया बट नहीं हुआ। यस फाइनली आई कैन से द ब्लास्टोइज हैज बीन डाउन। ओके लेडीज एंड जेंट्स, यहाँ पर अभी हम लोग जो है वो इस बैटल को जो है वो जीत चुके हैं 1940। अच्छा अच्छी खासी अर्निंग दी यार इसने मुझे। तो यस म्यूटू नाइट एक्स एंड म्यूटू नाइट वाई। जी हाँ गाइज यार, इसी के साथ हम लोग जो है वो कह सकते हो कि म्यूटू को मेगा इवॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं कटाबरा को जो हूँ वो अपने PC में डिपॉजिट करने वाला हूँ, वैसे भी मैं यहाँ पर Elite 4 को दोबारा से जो हुआ चैलेंज नहीं करने वाला हूँ। दिस इज जस्ट कह सकते हो कि थोड़ा सा सीरीज में कह सकते हो कि थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करना है एंड ऑल दैट स्टफ, दैट इज व्हाई दिस एपिसोड्स आर कमिंग। तो आई गेस कि हम लोग जो है वो रेडी है। वैसे यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ कह सकते हो कि पूरा जो है वो यहाँ पर अभी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, कह सकते हो कि पूरा का पूरा इस गेम को एक्सप्लोर करना है। दैट इज व्हाई मैं यहाँ पर अभी म्यूटू को अपने पार्टी में शामिल करने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ से अभी बाहर की तरफ चले जाते हैं। ओ पिकाचू जो है वो थोड़ा सा थक चुका है, सो यहाँ पर अभी मैं एस्केप रोप का इस्तेमाल कर लेता हूँ यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ऑल राइट सो वी आर आउट ऑफ दिस एंड फाइनली द गेम इज ऑफिशियली एंडेड। यस गेम ऑफिशियली एंड हो चुका है, जस्ट इट इज द पोस्ट गेम ऑफिशियल तो पहले कभी हो चुका था, जो थोड़ा सा रिमेनिंग स्टफ था वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है वैसे। बट देर इज अ वन मोर चैलेंज लेफ्ट, यानी कि हम लोगों को कह सकते हो कि जिम लीडर के जो रीमैचेस जो हैं वो कंप्लीट करने बाकी है। तो स्टार्टिंग से करने वाला हूँ मैं एंड एज यू नो टीम रॉकेट की जियोवानी जो है वो अभी इस कह सकते हो कि सरिल विरिडियन सिटी के जिम लीडर नहीं है, तो दिस विल बी द न्यू चैलेंज फॉर अस अगेन। तो दैट इज़ वाई मैं जो हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग से जो हूँ वो कह सकते हो कि चैलेंज करने जाने वाला हूँ, यानी कि हम लोग फर्स्ट थिंग फर्स्ट जाएंगे प्यूटर सिटी में ब्रॉक को हराने के लिए। यस विरिडियन सिटी नहीं प्यूटर सिटी, यार मैं गलती से विरिडियन सिटी के ऊपर स्काई डैश कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर अभी हम लोग जल्दी से चले जाते हैं प्यूटर सिटी के जिम लीडर को हराने के लिए। देखते हैं ब्रॉक कितना जो है वो यहाँ पर पावरफुल बन चुका है, या फिर कह सकते हो कि स्टिल ही इज लैकिंग बिहाइंड, ये जो है वो हम लोगों को पता चल जाएगा थोड़े ही समय में। यहाँ पर अभी मैं अपनी हीलिंग कर देता हूँ डन। ओके मुझे अच्छा खासा FPS मिल रहा है गेम, जब से मैंने ये गेम ना यूटिक्स पे खेलना चालू कर दिया है ना, तब से मुझे अच्छा खासा FPS ना मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ोतरी मिली है, वरना ये गेम अब तक कंप्लीट नहीं होता था अनलेस एंड अनटिल हम लोग ये गेम इस पर खेल रहे थे एंड्रॉयड में, नहीं तो फिर ये गेम सीरीज ना हमें लाता ही नहीं था। वैसे अगर देखा जाए तो फिर हम लोग GBA गेम्स में तो कह सकते हो कि फायर रेड रैंडमाइजर, लीफ ग्रीन रैंडमाइजर खेलना जाना रहता, बट हो क्या गया ना ये गेम चल गया मेरे लैपटॉप में, तो
तो सोचा कि पहले ये गेम कंप्लीट कर लेता हूँ। इस वजह से जो है यहाँ पर मैंने, हाँ कह सकते हो कि सोल सिल्वर का रैंडमाइजर नजलॉक लेकर आ गया। वो सोल सिल्वर का रैंडमाइजर नजलॉक ना, मजा आएगा उसमें खेलने के लिए। क्योंकि गाइस यार देखा जाए तो उसके एपिसोड जो है वो थोड़े बहुत कम ही आए हैं, अब तक 6 एपिसोड आए हैं। बट आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है ना उस सीरीज में, वो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगा। यस, देखा जाए तो मैं अभी आप लोगों को अगर बताऊँ ना, उसकी रीच जो है वो अब तक इतनी ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हुई है। लेट मी जस्ट चेक, वेट, मैं ना आप लोगों को वो प्लेलिस्ट की ना जो है वो लिस्ट बता देता हूँ। ज़्यादा रीच नहीं हुई है अब तक, कह सकते हो कि हर एपिसोड में, और कहाँ पर गया पोकेमोन सोल सिल्वर। यस, ज़्यादा रीच हुई नहीं है, बट एपिसोड जो है वो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही कोई नया एपिसोड आ जाता है तो आप लोगों को अच्छा लगता है उस सीरीज का। तो देखते हैं गाइस यार, वो भी सीरीज मुझे कंप्लीट करनी है। बट पोकेमोन अल्ट्रा मून, यस पोकेमोन अल्ट्रा मून अभी जो है वो आने वाला है यार। पोकेमोन अल्ट्रा मून का जैसे ही ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ना, लास्ट एपिसोड जैसे आएगा ना, फिर पोकेमोन अल्ट्रा मून के ऊपर मैं काम करना चालू कर दूंगा। हाँ यार, क्योंकि पोकेमोन अल्ट्रा मून भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेन सीरीज का ही पार्ट है वो। जैसे पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू मेन सीरीज का पार्ट था, वैसे ही पोकेमोन अल्ट्रा मून भी जो है वो मेन सीरीज का ही पार्ट है। एंड बातों बातों के चक्कर में ना, हम लोग यहाँ जो मेरा शेड्यूल था, जो मैंने टाइम टेबल बनाया था, उसको भी मैंने, कैलेंडर जो मैंने प्रिपेयर किया था ना 2024 का, उसको मैं अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि पोकेमोन ब्रिलियंट डायमंड भी कुछ ही दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू भी कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, मे बी इन सम डेज ऑल्सो। और इस नहीं थी 26 ना, तो 30 एपिसोड यानी कि 30 एपिसोड तक मैं इसको जो हूँ स्ट्रेच करूँगा। उसके बाद ये सीरीज विल बी नॉट बी स्ट्रेचेबल एट ऑल। देन पोकेमोन आने वाला, कह सकते हो कि हमारे जो अदर गेम्स है वो भी तो चल रहे हैं वैसे देखा जाए तो, क्योंकि मुझे अपना ये टाइम टेबल भी कह सकते हो कि चालू फिर से जो है भाई यहाँ पर रीशेड्यूल करना पड़ेगा। देखते हैं गाइस यार यहाँ पर अभी कैसे होता है सब कुछ। मई में मुझे ऑलमोस्ट 2 जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, पोकेमोन अल्ट्रा मून एंड पोकेमोन डार्क राइजिंग 2, वो जो है वो यहाँ पर कंप्लीट करने का कह सकते हो कि एक टारगेट सेट करना है। सो दैट इज़ वाई पोकेमोन अल्ट्रा मून भी जो है वो मैं शायद से डेली लाने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके एपिसोड भी थोड़े से बड़े रहेंगे, बट देखते हैं यार कैसे जाता है सब कुछ पोकेमोन अल्ट्रा मून के लिए। क्योंकि यार आधे घंटे का एपिसोड हर दिन, यानी कि ऊपर से पोकेमोन ब्रिलियंट डायमंड भी, साथ ही साथ पोकेमोन डार्क राइजिंग के और 2 के ऊपर भी काम करना है यार। पोकेमोन अनबाउंड 2 तो मे बी शायद जून में ही कंप्लीट होगा। यस, जून में ही मैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एंड साथ ही साथ हो सके तो फिर हम लोग कह सकते हो ना पोकेमोन रॉकेट एडिशन भी। यस, पोकेमोन टीम रॉकेट एडिशन थोड़ा सा बड़ा गेम है, उसको तो जो है वो यहाँ पर टाइम लगेगा ही, उसको हम लोग एक सेपरेट सीरीज रखेंगे। क्योंकि उसके व्यूज जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे थे, बस वो सीरीज रेगुलर नहीं हो पा रही थी, दैट इज द रीजन कि थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी वजह से जो है वो यहाँ पर। क्योंकि मैंने उसके बाद जो है ना पोकेमोन सन का काम लिया था ना, उस वजह से जो है वो सीरीज रह गई थी। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देता हूँ मैं। आई होप कि वीडियो को पसंद आई हो। ऐसे ही हम लोग जिम चैलेंज कल के एपिसोड में, टोटल मुझे 6 लोगों को अभी तक हराना है ना, तो कल शायद फिर से हम लोग तीन तीन करके जो है वो यहाँ पर सेट रखेंगे एंड इन लोगों को जो है वो डिफीट कर दूंगा मैं। आई जस्ट होप कि वीडियो को पसंद आई हो, और अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई विल जस्ट गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू, होपफुली कल। यस, होपफुली कल, क्योंकि थोड़ा सा और भी काम ज़्यादा करना बाकी है। तब तक के लिए गाइस यार, गुड बाय।